मैं मनहर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है डंपी लेवल सर्वेक्षण। डंपी लेवल सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण होता है जिसमें धरातल पर दिए हुए विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षिक स्थितियों को ज्ञात करते हैं। डंपी लेवल सर्वेक्षण के पूर्व हम तल मापन के विभिन्न जो यंत्र हैं उनका नाम जाने। तल मापन का जो कार्य है डंपी लेवल के अतिरिक्त वाई लेवल, कुक लेवल, कुक का उत्क्रमणीय लेवल, हुसिंग लेवल, गैस लेवल, वाट्स लेवल, वास्तुशिल्पियों का डंपी लेवल, जीएस परिशुद्ध लेवल, इन यंत्रों की सहायता से तल मापन का कार्य किया जाता है। डंपी लेवल सर्वाधिक लोकप्रिय है इस संदर्भ में। लेवलिंग यंत्रों में डंपी लेवल का आविष्कार 1832 में विलियम रोवेट ने इंग्लैंड में रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया था। डंपी लेवल एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अगर सही सही समतल स्थापित किया गया हो तो लेवलिंग करने में आसानी होती है। डंपी लेवल सर्वेक्षण में डंपी लेवल एक मुख्य उपकरण के रूप में होता है। इसके साथ साथ लेवलिंग स्टाफ के बाद टेप, एरो, साबुन, इनका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम डंपी लेवल के अंगों के नाम देखें। डंपी लेवल को अगर हम त्रिपाद स्टैंड पर फिक्स करें तो सबसे नीचे त्रिपाशु, ऊपर त्रिपाद का बेस आधार, त्रिपाद के बेस पर डंपी लेवल को बाएं हाथ से पकड़ के दाहिने हाथ से इसके स्क्रू को कसते हैं। सबसे निचली जो प्लेट है यह आधार प्लेट कहलाती है। आधार प्लेट ये त्रिकोणाकार है। आधार प्लेट के ऊपर इसको समतलन अवयव कहा जाता है, लेवलिंग हेड। समतलन अवयव और आधार प्लेट के बीच में तीन खंचित पेंच जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम समतलन पेंच के नाम से जानते हैं। लेवलिंग हेड के ऊपर बॉडी क्लैम और बॉडी क्लैम ये क्षैतिज तल में दूरबीन के घूमने को, टेलीस्कोप को ये नियंत्रित करता है। बॉडी क्लैम पूरी तरीके से कसा होने पर ये बॉडी टेंडन कार्य करता है जिसको धीमी गति का पेच कहते हैं। इसके बाद ये प्रिज्मेटिक कंपास वृत्ताकार डिब्बे में, ये प्रिज्मेटिक कंपास का क्लैंपिंग स्क्रू जस्ट साकेट की सहायता से ऊपर ये दूरबीन टेलीस्कोप, इसकी लंबाई 37 सेंटीमीटर होती है। इसके इस छोर पर अवदृश्यक लेंस, इधर आईपीस। अवदृश्यक लेंस पर सूर्य की अनावश्यक जो तेज किरणें हैं उनको रोकने के लिए सनसेट के साथ ही जब हम डंपी लेवल को प्रयोग नहीं करते हैं तो धूल आदि से रक्षा करने के लिए ये डस्क है। इसके पश्चात फोक्सिंग स्क्रू से ऊपर अगर हम जाएं तो ये लेवल नलिकाएं, लेवल ट्यूब। ये लेवल ट्यूब टेलीस्कोप के समानांतर लंबवत होती हैं ये। और दूसरा जो लेवल ट्यूब है ये लेवल ट्यूब जो है समकोण पर होता है। लेवल ट्यूब में बबल अगर बीचों बीच होता है तो ये माना जाता है कि डंपी लेवल जो है समतल हो गया। डंपी लेवल सर्वेक्षण में कुछ पारिभाषिक शब्दों को जानना आवश्यक है। इन पारिभाषिक शब्दों में हम सबसे पहले देखते हैं डेटा। स्वेच्छानुसार छाटी गई समतल सतह से ऊर्ध्वाधर दूरी को डेटम कहा जाता है। पृथ्वी लदवक्ष गोलाब के रूप में है और लदवक्ष गोलाब के रूप में होने के कारण
एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो दूरी है ये समतल पृष्ठ पर अलग अलग ऊंचाइयों पर होती है, लेकिन ये साहु से लंबवत होती है। ऊर्ध्वाधर कोण क्षैतिज रेखा पर साहुल की दिशा में बनने वाला जो कोण है ये ऊर्ध्वाधर कोण कहलाता है। गोलाप पृष्ठ पर क्षैतिज तल पर बनने वाली जो रेखा है ये क्षैतिज तल के नाम से जाना जाता है। समानी तल वह तल होता है जो डेटम से कल्पित किया जाता है कि उसको हम समानित तल कहते हैं। कोई ऊंचाई हम सर्वेक्षण करते समय ले लेते हैं, डेटम का जो निर्धारण है यही डेटम जिसको हम औसत समुद्री सतह के नाम से भी जानते हैं। भारत में डेटम का निर्धारण चेन्नई के समीप बृहद ज्वार के औसत को माना जाता है। बेंचमार्क चार प्रकार का होता है, जीटीएस बेंचमार्क, स्थाई बेंचमार्क, स्वच्छ बेंचमार्क और अस्थाई बेंचमार्क। जीटीएस बेंचमार्क वह बेंचमार्क होता है जिसको सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है विभिन्न स्थानों पर। स्थाई बेंचमार्क स्थाई जो पीडब्ल्यूडी की जो भवनें होती हैं, रेलवे लाइन पर मिल के जो पत्थर होते हैं उस पर जो सर्वेक्षण करने के लिए बेंचमार्क जो अंकित किया जाता है उसको स्थाई बेंचमार्क कहा जाता है। स्वच्छ बेंचमार्क सर्वेक्षण करते समय स्वेच्छा से डेटम से जो ऊंचाई निर्धारित की जाती है वो अस्थाई स्वच्छ बेंचमार्क कहलाता है। और अस्थाई बेंचमार्क वह बेंचमार्क होता है एक दिन सर्वे करते समय जिसको तय करते हैं और किसी कारणवश अगर सर्वेक्षण बंद करना हो तो दूसरे दिन उसी बेंचमार्क का उपयोग किया जाता है। बेंचमार्क के बाद संधान रेखा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये वह कल्पित सतह है जो अदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र और आईपीस इन दोनों के बीच जोड़ने वाली जो कल्पित सतह है जिसको संधान रेखा कहा जाता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। संधान रेखा के बाद यंत्र स्टेशन, इसमें दो स्टेशन होते हैं जहां पर यंत्र को स्थापित किया जाता है वो यंत्र स्टेशन कहलाता है, और जहां पर हम तलेक्षण मापी दंड को रखते हैं ये तलेक्षण मापी दंड जहां पर होता है इसको स्टाफ स्टेशन कहते हैं। स्टाफ स्टेशन के साथ साथ इस डंपी लेवल सर्वेक्षण में जो हम पाठ्यांक लेते हैं ये पाठ्यांक तीन प्रकार का होता है, बीएस, आईएस और एफएस। बीएस पश दृश्य पाठ्यांक वह पाठ्यांक होता है जो यंत्र को स्थापित करने के बाद लिया जाता है तुरंत। तो पहला जो पाठ्यांक है वो बीएस का होता है। यंत्र को हटाने से पहले जो पाठ्यांक लिया जाता है वो एफएस का होता है, और इन दोनों के बीच जितने पाठ्यांक लिए जाते हैं वो इंटरमीडिएट साइड या मध्यवर्ती पाठ्यांक के रूप में होते हैं। वर्तन बिंदु, परिवर्तन बिंदु भी इसको कहा जाता है। परिवर्तन बिंदु यंत्र के स्थानांतरण का बोध कराता है, पूर्ववर्ती स्टेशन से अंतिम पाठ्यांक और आगे के स्टेशन से प्रथम पाठ्यांक लिया जाता है उसको राइज एंड फॉल लेवल जो फील्ड लूप है उसमें हम लिख देते हैं उसके सामने टिप्पणी में, जो इस बात का प्रतीक है कि इस स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट को स्थानांतरित किया गया है। उपकरण की ऊंचाई डंपी लेवल सर्वेक्षण में जो समानित तल होता है डेटम के संदर्भ में जो समानित तल का निर्धारण किया जाता है
और उसके संदर्भ में जो स्टाफ पठन होता है समानित तल में उसको जोड़ करके यंत्र की ऊंचाई को निर्धारित करते हैं। डंपी लेवल का अस्थायी समायोजन, डंपी लेवल में चार कार्य ऐसे होते हैं जो प्रत्येक स्टेशन पर करना आवश्यक होता है। इसमें पहला है तिबाद स्टैंड पर यंत्र को फिक्स करना, दूसरा यंत्र को समतल करना, तीसरा नेत्रिका और अवदेशक लेंस का फोकस करना और चौथा पैरालेंस का विरोपण। सबसे पहले हम देखते हैं तिबाद स्टैंड पर यंत्र को किस प्रकार से फिक्स किया जाता है। तो यंत्र को बाएं हाथ से पकड़ा जाता है और दाहिने हाथ से इसके थ्रेड को घुमा करके यंत्र को हम तिपाद स्टैंड पर फिक्स करते हैं। तिपाद स्टैंड फिक्स करते समय आई लेवल से हम उसको देख लेते हैं कि तिपाद स्टैंड समतल है कि नहीं। इसके बाद सेंटिंग करते हैं, फिर लेवलिंग किया जाता है। लेवलिंग करने के लिए हम टेलीस्कोप को पहले दो स्क्रू की सहायता से या तो थंब इन या थंब आउट, और जब बबल मध्य में आ जाता है तो इसको 90 डिग्री पर घुमा देते हैं, फिर तीसरे स्क्रू के संदर्भ में इसको लेवल किया जाता है। ये क्रिया दो तीन बार दोहराने पर हम डंपी लेवल को आसानी से समतल स्थापित कर लेते हैं। समतल स्थापित करने के बाद दूसरी जो क्रिया है, तीसरी क्रिया नेत्रिका और अदृश्यक का को फोकस करना। नेत्रिका से आईपीस से हम डायफ्राम को क्लियर करते हैं और फोकसिंग स्क्रू से ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। नेत्रिका से जब डायफ्राम को क्लियर किया जाता है तो डायफ्राम की जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं और मिडिल स्टेडिया का सर्वाधिक उपयोग डंपी लेवल सर्वेक्षण में होता है। इसी के संदर्भ में भिन्न बिंदु की ऊंचाइयों को हम निर्धारित करते हैं। स्टेडिया लाइनें तीन होती हैं, अपर स्टेडिया, मिडिल स्टेडिया और लोअर स्टेडिया। इसी के संदर्भ में मिडिल स्टेडिया पर स्टाफ का जो पठन है वो लिया जाता है। स्टाफ की जो टोटल लंबाई होती है ये 4 मीटर होती है और ये जो लेवलिंग स्टाफ है ये 3 भागों में, जिसमें 1.5 मीटर निचला भाग, 1.3 मीटर दूसरा भाग और तीसरा भाग जो है 1.2 मीटर होता है। इसमें दोनों किनारों पर इसके जो मान हैं वो लिखे हुए होते हैं। इस लेवलिंग स्टाफ पर हम 0.5 सेंटीमीटर की दूरी को पढ़ सकते हैं। इसके बाद पैरालेक्स का विलोपन। पैरालेक्स का विलोपन, पैरालेक्स एक प्रकार की अशुद्धि है। जब किसी ऑब्जेक्ट के दो प्रतिबिंब बनते हैं तो यह माना जाता है कि पैरालेक्स है, और पैरालेक्स को दूर करने के लिए आईपीस से डायफ्राम को क्लियर करते हैं, फोकसिंग स्क्रू से ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। धन्यवाद।